नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू अगेन टू आवर चैनल। एज इन दिस विंटर सीजन समवेयर इन आवर इंडिया वी आर एक्सपीरियंसिंग द स्नो, बट ऑल्सो इन सम न्यूज़पेपर्स यू मस्ट बी हियरिंग सम वर्ड्स लाइक द हेल स्टॉर्म ऑल द स्लीट। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट बी क्लियर ऑन दीज टर्म्स, व्हाट आर देयर मीनिंग्स एंड देयर डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो दोस्तों आज हम इनकी टेक्निकल टर्म्स में चल के देखेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसको बनाने की कोशिश की है मैंने विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स एंड आल्सो अबाउट सर्टेन टर्म्स विच विल एक्सप्लेन टू यू, जैसे कि कंडेंसेशन, जैसे कि ड्यू पॉइंट, ये कैसे इसमें डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको स्नोफॉल, स्लीट और हेल के बीच में डिफरेंस बताने के पहले आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन ही क्या होता है। देखिए प्रेसिपिटेशन में सबसे पहला आएगा कंडेंसेशन। दीज आर थ्री वर्ड, इसको अगर याद रख लिया तो चीज समझ में आ जाएगी। कंडेंसेशन होगा, रैपिडली होगा और लंबे समय के लिए होगा, तब जाके प्रेसिपिटेशन होगा। पहला सवाल आपका कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वॉटर, वॉटर की स्टेट चेंज हो जाना, किसमें से, फ्रॉम वेपर, मतलब कि जो वॉटर वेपर कंटेंट इसका एक हो जाएगा, तो वेपर से जब वो लिक्विड में आ जाएगा तभी तो बारिश देखने को मिलेगी, राइट। तो क्या देखा हमने, कंडेंसेशन क्या होगा, जब वाटर की स्टेट वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाए। अब यहां पे इन दो शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, रैपिडली और लॉन्ग टाइम, क्योंकि कंडेंसेशन ही अपने आप में हो गया ना कि स्टेट वाटर की चेंज हो गई वेपर से लिक्विड, तो प्रेसिपिटेशन हो गया नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए क्लाउड्स है, ठीक है, यहां पे जब यहां पे मान लीजिए लो प्रेशर था नीचे, इस लो प्रेशर से मतलब कि जब गर्मी आई, धूप लगी, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होना चालू हुआ, राइट। यहां पे आके आपका ऐसा मानना है कि वाटर कंडेंस हो गया और उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, मतलब कि वेपर से लिक्विड में आ गया और बारिश हो गई। मगर इसमें आप एक चीज देखिए कि अगर यह प्रोसेस बहुत स्लो होगी, राइट, और साथ ही स्लो मतलब यहां पे रैपिडली ना होना, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम तक ये जो वेपर है ये यहां पे अगर रहेगी तो क्या होगा, ये चीज एयर में ही रह जाएगी, ये चीज नीचे आएगी ही नहीं। इसी कारण से यहां पे लिखा है कि कंडेंसेशन होना चाहिए, मतलब कि स्टेट चेंज होना चाहिए, प्लस ये बहुत तेजी से होना चाहिए और कुछ लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी सी हुई और फिर खत्म हो गई, नहीं तो वो यहीं पे रह जाएगी। तो सबसे पहले हमने समझा कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूं प्रेसिपिटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं। ऑब्वियसली दो तरीके से, या तो आप देखोगे स्नो, स्लीट, हेल, मतलब सॉलिड फॉर्म में जब हमारे यहां पे प्रेसिपिटेशन आएगा लैंड पे, और दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड में जैसे ऑरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल, फ्रंटल, ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में। हमारा जो मकसद है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड को डील करेंगे, इस लेक्चर में हमारा मकसद है हेल, स्नो और स्लीट के बीच में डिफरेंस जानना, विच आर द काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले चलते हेल स्टॉर्म, हेल क्या होता है। देखिए दोस्तों यहां पे ऑन आर लैंड मान लीजिए टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन ये प्रेसिपिटेशन तक तो आपको समझ में आ ही गया, वाटर वेपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। यहां पे मान लीजिए वाटर वेपर बहुत ऊपर गए, क्यूमुलस क्लाउड्स बने, यहां पे क्लाउड्स जब बने इसका टेम्परेचर हो गया -12 डिग्री सेल्सियस। आपको एक चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने यहां पे दो टेम्परेचर लिए कि यहां 10 था या 12 था, जैसे 10 से -12 पे गया वो आइस क्रिस्टल्स बन गए होंगे, ये तो आप माइनस देख के समझ गए, राइट। तो बिल्कुल यहां पर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये आइस क्रिस्टल्स यहां पर अरेन्ज होते हैं लेयर स्ट्रक्चर में, राइट। अब दोस्तों जो हेल है इसको जनरली स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, एयर के, तो उससे क्या होता है यहां पे साथ ही साथ कन्वेक्टिव सेल ऑफ एयर में ये कॉमनली पाए जाते हैं। अब आपका सवाल होगा कि कन्वेक्टिव सेल ऑफ एयर क्या है। कन्वेक्टिव सेल ऑफ एयर मतलब कन्वेक्शन, मतलब जैसे क्या होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर। तो क्या होता है यहां पर, तो ऑलरेडी आइस क्रिस्टल आ गई है लेयर स्ट्रक्चर में, हमने देखा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रही है -12 तक ये चली गई। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि यहां पर अपड्राफ्ट्स आ रहे हैं इसको और ऊपर एयर धक्का दे रही है,
राइट, और साथ ही कन्वेक्टिव सेल ऑफ एयर भी है, मतलब कि हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, तो ये और ठंडी हो रही है, मतलब आइस के नीचे और आइस जमती जा रही है। तो क्या मतलब, पहले इतनी सी अगर साइज थी आइस की, तो ये बढ़ते 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 इतनी हो गई। अब आप ध्यान से देखिए कि पहले सिर्फ इतनी सी लेयर थी आइस की, जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच लेगा एक साथ, और इसी कारण से एक साथ जब ये नीचे आ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, हेलस्टॉर्म, राइट। और भले यहां पे फिर टेम्परेचर ज्यादा हो, बाकी उसके बाद भी ये मेल्ट नहीं हो पाएगी, राइट, क्योंकि एकदम से ये गिर जाएगी। तो ये होगा हेल। बात करते हैं दूसरा, स्नो पे। अब हेल से स्नो कैसे डिफरेंट है, ये आप अपने आप समझ जाओगे जब हम स्नो पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो कि यहां पे जो टेम्परेचर है ये नेगेटिव में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पॉजिटिव में था, मतलब कि यहां पे माइनस में ही मेंटेन है, नीचे भी मेंटेन माइनस में है, ऊपर भी मेंटेन माइनस में है। इसी कारण से जो मैक्सिमम आपको स्नोफॉल्स मिलती है वो कहां मिलती है, माउंटेनियस रीजंस पे, राइट, हिमालयन रीजन पे मिलती है ना, आपको एमपी में राजस्थान में कितनी कम देखने को मिलती है, और मिलेगी तो ये, ठीक है। अब दोस्तों स्नो मैक्सिमम माउंटेनियस रीजन पे हुई, यहां पे क्या होता है, ऊपर मान लीजिए अगेन टेम्परेचर सेम लिया, -12 -12, वाटर वेपर गए -12 पे, फाइन आइस क्रिस्टल बन गए, राइट। अब फाइन आइस क्रिस्टल बनने के बाद यहां पे प्रोसेस होती है सब्लिमेशन करके। सब्लिमेशन क्या होता है कि सीधे एक स्टेट से, जैसे सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाना, या वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। तो यहां पे ऊपर जाते वक्त प्रोसेस क्या होगी, सीधे वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि आइस बन गई, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट सब्लिमेशन है, फाइन आइस क्रिस्टल कैसे बने, सब्लिमेशन में वेपर से सॉलिड में सीधे कन्वर्ट हुई। दूसरा कॉन्सेप्ट है ड्यू पॉइंट का, स्नो फॉल होने के लिए ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रहना चाहिए, नीचे के ऊपर ध्यान से देखिए, बिलो, नीचे रहना चाहिए। क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर ऊपर हुआ तो ये बारिश लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, राइट, क्योंकि ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद में एयर मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर सकती, उसको गिराना ही पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ इधर लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब चूंकि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, मतलब फ्रीज हो गई मगर उसके बाद भी उसमें मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी है, तो वो और मॉइस्चर लेते जा रही है, मतलब यहां आइस बन गई, उसके बाद और आइस बनती जा रही है। तो इस तरीके से जब होगा तो स्नो गिर जाएगी, अगर इसके अपर होता ड्यू पॉइंट तो पानी गिर जाता, ये होता है स्नोफॉल, राइट। ध्यान से देखिए डिफरेंस, माइनस आ गया प्लस आ गया। अब बात करते हैं स्लीट की, स्लीट में क्या होता है, अगेन ऊपर वाला टेम्परेचर तो वही है, अब नीचे में वापस चेंज हो जाएगा, नीचे में यहां पे देखिए ध्यान से +5°C। अब आपका सवाल होना चाहिए ये, देखो दोस्तों हेल में तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा आइस क्रिस्टल की बहुत बड़ी लेयर बन गई, तो एकदम से जब ये नीचे आती है, इसको हालांकि 10° न लेके और थोड़ा सा कम ले सकते हो, तो जब एकदम से आती है इतनी ज्यादा बड़ी लेयर बर्फ की, तो वहां मेल्ट नहीं हो पाती बीच रास्ते में, वो बर्फ जैसे गिर जाती है। अब आपका सवाल होगा यहां पे कि जब यहां पे भी पॉजिटिव है तो यहां पे बर्फ कैसे गिरेगी, राइट, और यहां पे तो टेम्परेचर -12 ही ले लेते हैं अपन। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे अगेन आइस क्रिस्टल बने ऊपर, मगर यहां पे क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर होता है ज्यादा, तो यहां पे हो गई मेल्ट, ठीक है। मैंने क्या बताया, -12°C से नीचे आई, मगर यहां पे आते आते मेल्ट हो गई, तो आपका सवाल होगा वापस कैसे फ्रीज हो गई, इसीलिए इसको रिक्रिस्टलाइज वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। किसको, स्लीट को। क्या होता है दोस्तों, आइस क्रिस्टल यहां से नीचे गिरे, सेम प्रोसेस से आइस क्रिस्टल बने, जैसे हमने यहां पे बात करी, यहां पे भी आइस क्रिस्टल बनते हैं, मगर नीचे आते आते इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, अब टेम्परेचर तो यहां पे भी ज्यादा है +5°C, अगर बीच में कुछ ना होता तो ये तो पानी जैसे बरस जाता, मगर फिर भी बर्फ बरस आ रही है, ऐसा कैसे, क्योंकि बीच में यहां पे कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर मतलब 0°C या उससे कम टेम्परेचर, तो क्या होता है ये आइस क्रिस्टल बीच में तो मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाता है, मगर यही पानी जब वापस से कोल्ड एयर से पास होता है तो क्या होता है कि वापस से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, वापस आइस बन जाती है, और फाइनली हमको यहां पे देखने के लिए मिलती है आइस, बजाय इस 5°C के, भले यहां पे पॉजिटिव टेम्परेचर है मगर उसके बाद भी हमको आइस मिल जाती है, एंड वी कॉल इट रिक्रिस्टलाइज वॉटर ड्रॉपलेट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल, स्नो एंड स्लीट। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट पार्ट, वी विल बी डीलिंग विद द
liquid form of precipitation. I hope a lecture acha laga hoga. If yes, do subscribe to our channel as we upload these kind of videos. Also, mention in the comment box the next topic which you would like to hear from me. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing.